मनरेगा मजदूरों के फाइनेंशियल बेनिफिट रोकने के लिए मंडी के मजदूर संगठनों ने की सीएम की निंदा। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। मनरेगा व कंस्ट्रक्शन लेबर को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर किए जाने से स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा जैसी आर्थिक मदद से महरूम हुए मजदूर। सीएम व डिप्टी सीएम द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के अगले ही दिन श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर किए गए थे मनरेगा मजदूर। ट्रेड यूनियन के साल भर बाद जागने को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा मनरेगा तथा निर्माण मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे पर मंडी में आज सीटू सहित आधा दर्जन ट्रेड यूनियन द्वारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया गया। सीटू के जिलाध्यक्ष कानूट भूपेंद्र सिंह, बीएमएस के मंगत राम व इंटक के वाईपी कपूर आदि मजदूर नेताओं ने कहा कि खुद को बार बार वर्किंग क्लास फैमिली से आने वाला बताने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू ने जहां शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 4 लाख के करीब मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर किया, वहीं इसके बाद 8 फरवरी को कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए भी ऐसी ही मजदूर विरोधी नोटिफिकेशन जारी कर दी। उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर होने से जहां इन मजदूरों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से महरूम होना पड़ा, वहीं दुर्घटना बीमा व पढ़ाई करने वाले इनके बच्चों को स्कॉलरशिप जैसे अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रदेश सरकार ने छीन लिए। मजदूर संगठनों द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन के बाद डीसी मंडी के माध्यम से इस बारे सीएम को मेमोरेंडम भी भेजा गया, जिसमें 1 महीने में इन मजदूरों को फिर से श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे में लाने संबंधी अल्टीमेटम दिया गया। इससे पहले सुक्खू सरकार का 1 साल पूरे होने के अगले ही दिन हिमाचल की राजधानी शिमला में भी इस मुद्दे पर सीटू प्रोटेस्ट कर चुकी है और ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड विजेंद्र मेहरा ने तय अवधि में मांग पूरी न होने की सूरत में उस दौरान विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी थी। प्रदेश सरकार द्वारा साल भर पहले मनरेगा व निर्माण मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर किए जाने के बावजूद अब जाकर ट्रेड यूनियनिस्ट के जागरण को लेकर भी सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। शादी का कुछ सहायता मिलती थी, बीमारी के इलाज का मिलता था, जो कोई मजदूर प्रसूता महिला होती थी तो उसका सहायता राशि मिलती थी। ये सारे जो लाभ हैं, सारी जो सहायता इस सरकार ने रोक दी है। और बोर्ड के अंदर, क्योंकि हम सब यूनियनों के जो सदस्य हैं, बोर्ड के सदस्य भी हैं हर यूनियन की तरफ से, वहाँ भी मांग करते रहे, मगर बड़े दुख की बात है कि ये सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर के बाद भी उन सारे लाभों को अभी तक जारी नहीं कर रही है। वाईपी कपूर, जिला अध्यक्ष INTUC। जो सरकार श्रम विरोधी नीतियां अपना रही है, INTUC अपने दूसरी सहयोगी यूनियनों सीटू, VMS और दूसरी यूनियनों के साथ इसका कड़ा विरोध करती है। ये जो सरकार, जैसे सेस की बात भूपेंद्र जी ने कही, भवन का जो मालिक होता है वही सर्टिफिकेट दे सकता है, ये ऐसे ऑडिट व्यू पॉइंट जो हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि मजदूरों के हित जो हैं उनको देकर के समाप्त होंगे, ना कि इफ एंड बट्स और ऑडिट पॉइंट्स लगा करके इस तरह से जो नेगेटिव थिंकिंग है सरकार की वर्किंग क्लास के प्रति, इसको दूर करना चाहिए, तभी सरकारें बनती हैं। क्योंकि सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो सरकार मजदूर हित की बात करती है वही स्थायी सरकार होती है। धन्यवाद। मंगतराम नेगी, भारतीय मजदूर संघ कंस्ट्रक्शन यूनियन का प्रदेश का महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज जैसे कि भूपेंद्र ठाकुर जी ने और कपूर जी ने भी कहा है कि हमारा एक जॉइंट फ्रंट के नाम से जो घुमारवी में जो गठन हुआ था, आज पूरे प्रदेश में, हम पूरे प्रदेश में DC महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार को जो एक ज्ञापन भेज रहे हैं। और हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो मतलब मनरेगा के मजदूरों के ऊपर जो मतलब इस तरह की जो उन्होंने ये तलवार लटकाई हुई है, उसको मतलब बहाल करके मतलब उन गरीब मजदूरों के साथ न्याय किया जाए, तभी सरकार की भलाई हो सकती है।